हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली करेंट अफेयर्स क्विज 24 नवंबर के। एक बात कहना चाहूँगी, देखिए अगर आपको इसके नोटिफिकेशन उपलब्ध नहीं होते हैं तो सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, पर आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हो। ये 7 से 8 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये रेलवे हो गई, बैंकिंग हो गई, जितने भी मतलब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ना, आप सब में इस क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इवन इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ये यूपीएससी के प्रीलिम्स तक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, आप इस वीडियो को आराम से रेफर कर सकते हो अपने कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे कोई नए हो तो प्लीज़ इस बटन पे आप प्रेस करोगे तो ये आपके ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। एंड अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको नोटिफिकेशंस इसके ईजिली मिल जाया करेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स। देखिए, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि बनरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है कर्नाटका। और मैक्सिमम मतलब आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर भी यही थे, सो आपके आंसर्स बिल्कुल सही थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद 6B पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, मोहम्मद 6B ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और ये लॉन्च किया गया है मोरक्को के द्वारा। मोरक्को हमारे ऑप्शन हो जाती है बी, मोरक्को। और देखिए, ये 21 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया है। जैसा कि क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये पृथ्वी का अवलोकन करने वाला एक उपग्रह है। ये बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला है। ठीक है, इसका यूज़ हम मैपिंग में, भूमि की सर्वेक्षण में, क्षेत्रीय विकास, कृषि की निगरानी, उसकी रोकथाम, प्राकृतिक आपदाएं जितनी आती हैं ना उनके प्रबंधन में, खदान अन्वेषण में, इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ध्यान ये देनी है कि मोहम्मद 6B जो है ये मोरक्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए उसके पहले ना मोहम्मद 6A भी है, मोहम्मद 6A भी है और ये मोहम्मद 6B है। ठीक है, तो ये हम भी बस इतना ध्यान रखना है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, बी, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ऊबर इट्स ने किसको भारत में अपनी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ऊबर इट्स, देखिए ऊबर के बारे में हमें पता है ना, ओला ऊबर वही ऊबर है। ठीक है, अब ऊबर इट्स क्या है पहले ये समझ लीजिए। ऊबर इट्स जो है ना ये खाद्य वितरण सेवा है, मतलब इट्स में ये खाने की सामग्री प्रोवाइड करता है इसमें। ठीक है, और ये जो उबर का पार्ट है, उबर का ये खाद्य वितरण सेवा जो है ये भारत के, हमारे भारत में ये 37 शहरों में उपलब्ध है, 37 शहरों में ये उपलब्ध है। और ये मई 2017 के मई में भारत में लॉन्च हुई थी उबर इट्स। तो इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि उबर इट्स ने किसको भारत में अपनी ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया है। तो ये है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है वो उबर इट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाती हैं, बी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। एक्सपीडिया छुट्टी अवकाश रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत 19 सर्वेक्षण वाले देशों में विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा छुट्टियों से वंचित राष्ट्र है। इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है ना कि देखिए, एक्सपीडिया ने अपना ये एक एक्सपीडिया जो ये एक ट्रेवल एजेंसी है, इन्होंने अपना एक छुट्टी अवकाश का रिपोर्ट निकाला है 2018 का। तो इसके अनुसार उन्होंने 19 देशों का सर्वेक्षण किया है विश्व रैंकिंग में। ठीक है, इन्हें विश्व में मतलब वर्ल्ड वाइज रैंकिंग दी गई है ये 19 देशों को। और इसमें ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारे भारत का कितना स्थान है जहां वो छुट्टियों से वंचित राष्ट्र है। मतलब यहाँ छुट्टियाँ बहुत कम उपलब्ध होती है, मतलब जो कामकाजी लोग हैं ना उनकी छुट्टी बहुत कम है, हॉलीडेज़ बहुत कम मिलते हैं। तो हमारे भारत का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। और हमारे भारत के पहले है जापान, पहले नंबर पे है, जहाँ बिल्कुल भी नहीं छुट्टी से, वो बहुत ही ज़्यादा वंचित राष्ट्र है। फिर इटली है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर न्यूजीलैंड है, देन हमारा भारत है। तो हाँ, ये भी कह सकते कि हमारे भारत भी थोड़ा मेहनत तो ज़रूर ही करता है। तब देखिए 5 नंबर पे है, क्योंकि यहाँ छुट्टी से हमारा भारत 5वें नंबर पर आ रहा है कि ये छुट्टियों से वंचित राष्ट्र में है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, 5।
बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए एलआईसी के साथ किसने साझेदारी की है? तो बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए एलआईसी के साथ साझेदारी की है पेटीएम ने। ठीक है, देखिए पेटीएम ने जीवन बीमा पर जो ऑनलाइन बीमा प्रीमियम भुगतान होगा ना, उसकी पेशकश करने के लिए वो उसने साझेदारी कर ली है एलआईसी के साथ। हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए पेटीएम। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में, और उसके जो मुख्य अधिकारी हैं, कार्यकारी अधिकारी हैं, वो है विजय शेखर शर्मा जी। ठीक है, और एलआईसी की बात कर दूँ तो एलआईसी के अध्यक्ष है वीके शर्मा और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये चीज़ें क्लियर हो गई? एलआईसी के साथ किसने साझेदारी की है? पेटीएम ने। किस लिए? ये बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए। ठीक है, ऑनलाइन जो बीमा प्रीमियम भुगतान होगी ना, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। किसने 2018 अंतर्राष्ट्रीय जेम्स डायसन पुरस्कार जीता? जेम्स डायसन पुरस्कार 2018 का किसने जीता है? ये ना दो लोगों ने जीता है। एक तो हो गए निकोलस ओरेलाना, ये चिली के हैं, और ये हैं, और दूसरे हो गए यासीन नूरानी। पहले क्या हो गए? निकोलस ओरेलाना, और दूसरे हो गए यासीन नूरानी। यासीन नूरानी केन्या से है, निकोलस कोरेलाना चिली के हैं। देखिए अब इन दोनों ने क्या ऐसा किया है जो इन्हें 2018 का अंतर्राष्ट्रीय जेम डायसन पुरस्कार मिला है? इन दोनों ने शहरी पवन टरबाइन बनाया था, जिसे ओ विंड टरबाइन का नाम दिया गया। शहरी पवन टरबाइन, ये एक गोलाकार ऑब्जेक्ट होता है जो, मतलब जो हवा चलती है ना, तो हवा की शक्ति को वो बिजली में परिवर्तित कर देता है। तो फिर ये टरबाइन करेगा क्या? ये देखिए, शहरों को बिजली उत्पादन करने के लिए ऊर्जा का जो उपयोग होता है, उस ऊर्जा का उपयोग करने में ये टरबाइन मदद करेगा। चीज़ें समझ में आ गई? तो इनकी इस योगदान के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जेम्स डायसन पुरस्कार से नवाजा गया है। 2018 के अंतर्राष्ट्रीय जेम्स डायसन पुरस्कार किन्हें मिला है? निकोलस ओरेलाना और यासीन नूरानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन नियुक्त की गई हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इनकी नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जायस मसूया। जायस मसूया, ये तंजानिया की हैं। हमारा ऑप्शन हो जाता है सी, जायस मसूया। ठीक है, और इसके पहले क्या हुआ ना कि एरिक सोलहेम थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि बोला जा रहा है कि इन्होंने अनावश्यक छुट्टियां लेकर खर्च की हैं, मतलब अनावश्यक यूज़ किया है फैसिलिटीज़ का। तो इसीलिए इन्होंने अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है, और अब जो ये पद ज्वाइन करेंगी, इनका नाम है जायस मसूया। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं सी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। समझ में आ गई चीज़ें? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टार्टअप्स के विकास के मदद के लिए आईआईएम इनोवेशन पार्क के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस क्वेश्चन को हम एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये बात हो रही है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टार्टअप्स के विकास के में मदद के लिए किस आईआईएम इनोवेशन पार्क के साथ एमयू पर, मतलब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोलकाता आईआईएम इनोवेशन पार्क के साथ हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए हस्ताक्षर किए हैं? ताकि वो जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, उसकी सहायता करेंगे और उन्हें प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करेंगे, मतलब सलाह प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोलकाता आईआईएम इनोवेशन पार्क के साथ हस्ताक्षर कर लिया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम बढ़ते हैं। एक्रोस योजना को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? एक्रोस योजना, ये कैबिनेट की अभी अध्यक्षता हुई थी, बैठक हुई थी, इसमें कुछ चीज़ों को मंजूरी मिली है कल। इसी में ये एक एक्रोस योजना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि एक्रोस योजना है क्या। ठीक है, देखिए एक्रोस से हमारा मतलब है कि वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली। ठीक है, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाओं को जारी रखने की ये मंजूरी दी गई है। तो इस योजना को किस मंत्रालय ने मंजूरी दी है? और हमारे ऑप्शन हो जाते हैं डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इनका अब उद्देश्य क्या है? इस एक्रोस योजना को लॉन्च वो कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या होगा? समाज के सुधार के लिए ये एक विश्वसनीय मौसम और जलवायु का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। मतलब
मौसम या जलवायु ले लीजिए, उसके पहले ही वो मतलब उसके बारे में पूरी सूचना प्रदान कर देगा कि हाँ कल की मौसम या जलवायु कैसी होने वाली है एंड ऑल। ठीक है, तैक्रॉस योजना समझ आ गई, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। क्लियर हो गई चीज़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। कौन सा देश प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का नवा संस्करण 18 फरवरी 2019 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो बहुत ही प्रमुख, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस, जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, जो उसका 9th एडिशन होगा और ये 18 फरवरी 2019 को होगा, तो ये कौन सा देश है जो इसे होस्ट करेगा? तो ये है मोनेको। मोनेको इसे होस्ट करेगा, 18 फरवरी 2019 को ये होगा, इसका संस्करण 9th एडिशन होगी और इसे मोनेको होस्ट करेगा। तो हमारे ऑप्शन तो क्लियर हो गए, ए है हमारे, कौन सा देश पूछा गया है ऑप्शन, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। अब ये समझ लीजिए ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स होता क्या है। तो देखिए इसे ना कैसे फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं ना, उसी तरह ये खेल के ऑस्कर के रूप में माना जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को खेल के ऑस्कर के रूप में माना जाता है। और जैसे 2017 की अगर मैं बात करूं तो इसमें टेनिस प्लेयर जो रॉजर फेडरर है उन्हें लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था, अगर 2017 में चलूं तो। ठीक है, और ये 2018 वाली और 2019 को जो ये 9th एडिशन जो है वो मोनेको होस्ट करेगा। और हमारे इंडिया से कपिल देव, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी ये लॉरियस एकेडमी के सदस्य हैं। ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपने समझ ली कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स होते क्या है, खेल के ऑस्कर के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, ठीके? और इसे होस्ट कौन करने वाले हैं? मोनेको। हमारे ऑप्शन जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पूर्वी भारत के 4 राज्यों में कितने नए कोयला ब्लॉक खोजे हैं? देखिए नए कोयला ब्लॉक खोजा गया है, नया कोयला का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि वहाँ वहाँ कोयला पाए गई है, तो ये कितने ब्लॉक है ऑलरेडी? देखो 4 राज्यों में ये खोजे गए हैं, पूर्वी भारत के, ईस्ट इंडिया के मतलब 4 राज्यों में ये खोजे गए हैं, और ये कितने नए ब्लॉक है? तो ये है 44 नए ब्लॉक। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। अब देखो ये कहाँ कहाँ है, 44 जो कोयला ब्लॉक हमें मिले हैं, वेस्ट बंगाल के पुरुलिया एंड बीरभूम जिले में हमारा पहला राज्य हो जाता है वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, उड़ीसा के तालचर में, तीसरा है बिहार, बिहार के भागलपुर में, और चौथा है झारखंड। तो ये जो 4 पूर्वी भारत के राज्यों की मैंने बात की वो थे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। झारखंड के ईस्ट बोकारो और साउथ करणपुरा में। तो इनके ये 4 राज्यों के इतने सारे जो तालचर हो गए, भागलपुर हो गए, पुरुलिया बीरभूम हो गया, फिर साउथ करणपुरा हो गया, इनमें ये कोयला ब्लॉक फैले हुए हैं, खोजे गए हैं, 44 कोयला ब्लॉक टोटल मिले हैं। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। किन्हें यूनिसेफ ने पूर्वोत्तर के लिए यूथ एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है? मतलब ये समझ लीजिए कि यूनिसेफ के ये यूथ एडवोकेट नियुक्त हुई हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है नाहिद अफरीन। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं नाहिद अफरीन, ये यूनिसेफ ने इन्हें यूथ एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया है। ये असम की गायिका है, ठीक है, असम की गायिका है ये, और बाल अधिकारों के लिए इन्हें ही चुना गया है यूथ एडवोकेट। और देखिए यूथ एडवोकेट का काम क्या होता है कि समाज में बदलाव के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। समझ में आ रही है चीज़ें? मतलब ये समाज में बदलाव करते हैं इसलिए ये यूथ एडवोकेट नियुक्त होते हैं। तो यूथ एडवोकेट का काम हमें समझ में आ गया। नाहिद अफरीन है कौन? ये असम की गायिका है, ये वही है जो 2016 की बॉलीवुड फिल्म आई थी ना अकीरा, उससे उन्होंने अपनी प्लेबैक की शुरुआत की थी। और असम राज्य फिल्म पुरस्कार 2018 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनके बारे में भी चीज़ें क्लियर हो गई। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए, नाहिद अफरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। किसने नासा स्कोपस यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2018 जीता है? ये नासा स्कोपस यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर विमल चंद्र श्रीवास्तव को। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी, विमल चंद्र श्रीवास्तव। ये आईआईटी रुड़की मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रुड़की में है वहाँ के ये प्रोफेसर है। अब ये जान लीजिए कि नासा स्कोपस यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन्हें मिला क्यों है। तो देखिए उन्होंने क्या किया था, एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली, एक एनवायरमेंटली साउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट श्रेणी में उन्होंने ये जीता है। उन्होंने किया क्या है,
जितने भी औद्योगिकी अपशिष्ट होते हैं, उसके जल उपचार, स्वच्छ तरल ईंधन और बहु घटक अधिशोषण पर उनके काम के लिए उन्हें पुरस्कार मिला है। ये सारी चीज़ों के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया है। और क्या किया उन्होंने, मतलब पर्यावरण के लिए, एक सतत विकास के लिए, मतलब इनोवेंटली साउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की श्रेणी में उन्होंने ये जीता है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में ये काम किया है। ठीक है, तो बस ध्यान ये रखना है कि नासा स्कोपस यंग साइंटिस्ट अवार्ड किन्हें दिया गया, ये मिला है विमल चंद श्रीवास्तव जी को, और ये जो अवार्ड है ना, ये 2006 में स्थापित हुआ था। तो इतने डिटेल तो मैंने बता दिया, क्योंकि चलो आप एक बार जान के रखो, बट आप इतना में एग्जाम में इतने तो पूछे जाते नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखना कि नासा स्कोपस यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला किसे मिला है, ये मिला है विमल चंद श्रीवास्तव, जो कि IIT रुड़की के प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव का 6ठा संस्करण 28 नवंबर 2018 को किस राज्य में शुरू होगा? ब्रह्मपुत्र घाटी फिल्म महोत्सव का 6th एडिशन 28 नवंबर 2018 को होने वाला है, तो ये किस राज्य में शुरू होगा? ये होगा असम में। हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी असम। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, इसमें इनका उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो सिनेमा है ना, उन्हें बढ़ावा देना है, वहाँ की सिनेमा फिल्म को वो बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हमारे ऑप्शन हो जाते हैं बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कॉनमेक 2018 कहाँ शुरू हुई? कॉनमेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कॉनमेक है क्या। देखिए कॉनमेक है ना, नेपाल की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, नेपाल की ये सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, और ये काठमांडू में 22 नवंबर को शुरू हुई है। तो यहाँ मैंने देश के बारे में पूछ लिया है, तो ये हुई है नेपाल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ए नेपाल। तो ऐसे समझ लीजिए कॉनमेक जो है ना, वो नेपाल में स्टार्ट हुई है और 22 नवंबर को स्टार्ट हुई है। ये 3 दिनों का है, 22 नवंबर को स्टार्ट हुई है, तो 22, 23, 24 तक ये चलने वाली है मतलब। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ही आयोजित किया जाता है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये नेपाल की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, उपकरण और प्रौद्योगिकी निर्माण पर बेस्ड है ये। समझ में आ गई चीज़ें? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। कॉनमेक 2018 कहाँ शुरू हुआ है? नेपाल में शुरू हुआ है। हमारा ऑप्शन हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। युवा मामलों पर सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? तो युवा मामलों के सहयोग के लिए भारत और जो देश है ना, वो है तजाकिस्तान। तो युवा मामलों के अगर सहयोग की बात आती है, तो भारत और तजाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है। समझ में आ गई चीज़ें? हमारे ऑप्शन हो जाते हैं ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 24th ऑफ नवंबर के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF, डायरेक्ट नीचे टेलीग्राम का एक लिंक है, आप उस टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू।